गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो फंक्शन ऑफ सर्टोरी सेल्स। तो सर्टोरी सेल्स का कुछ 5-6 फंक्शंस है जो हम लाइन बाय लाइन करके देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला फंक्शन क्या है सर्टोरी सेल्स का। सर्टोरी सेल्स के बारे में आपको पता होगा, मैंने पहले क्लास में बताया था कि सर्टोरी सेल्स में क्या होता है कि हैप्लॉइड स्पर्मेटोजोआ और डिप्लॉइड सेल्स जैसे कि स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोरी सेल्स रहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, ये सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर बहुत सारे सर्टोरी सेल्स पाए जाते हैं। तो अब हम देखते हैं एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ द सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। अगर हम बात करें तो सेमिनिफेरस टिब्यूल का अगर हम सर्कुलर क्रॉस सेक्शन बनाए तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो देखिए, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल कुछ ऐसा दिखेगा, जिसमें कि ये जो बीच वाला पार्ट जो आप देख सकते हैं ये है ल्यूमेन, ठीक है, जो हमने लेबल कर दिया है। मेनिफेरस ट्यूब्यूल का अगर हम क्रॉस सेक्शन लेंगे तो हमें डिप्लॉइड सेल्स लाइक स्पर्मेटोगोनिया देखने को मिलेगा। ये मैंने गलत लेबल कर दिया है, स्पर्मेटोगोनिया होगा ये, ठीक है, ये गलती से गलत लेबल हो गया था, ये एक्चुअली होगा स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। तो ये कैसा होगा, डिप्लॉइड, मैंने बताया था उसके अंदर सर्टोरी सेल्स भी होंगे। तो ये जो आपको सेल्स दिख रहे हैं ये सर्टोली सेल्स रहेंगे, ये सेल्स हो जाएंगे स्पर्मेटोगोनिया और ये बाहर के लैमिना प्रोप्रिया हो जाएगा और ये लेडिंग सेल्स हो जाएंगे, ठीक है, और ये ल्यूमेन। तो ये डायग्राम जो है हमें एकदम ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि इसी डायग्राम से क्वेश्चंस आ सकते हैं कि बोर्ड में कि ड्रॉ अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, ठीक है। तो इन लेडिंग सेल्स का क्या काम है और स्पर्मेटोगोनिया आगे जाके क्या फॉर्म करेगा, ये सारे प्रोसेसेस हम लोग आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ सर्टोली सेल्स। तो फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल्स सबसे पहला है कि ये म्यूलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस का सेक्रीशन करता है। अब म्यूलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस क्या होता है, म्यूलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस यानी कि ये वजाइना या उससे एसोसिएटेड ट्यूब्स का फॉर्मेशन इनहिबिट करता है, क्योंकि म्यूलेरियन डक्ट या म्यूलेरियन ट्यूब से जो है जितने ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड एक्सेसरी डक्ट्स है उसका फॉर्मेशन होगा, तो सर्टोली सेल्स उसको इनहिबिट कर देता है। सेकेंडली, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है, जैसे कि स्पर्मेटोगोनिया हो गया उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, तो नरिशमेंट या फिर हम न्यूट्रिशन भी लिख सकते हैं, आपको दिख नहीं रहा है शायद, न्यूट्रिशन। थर्ड है कि ये स्पर्मिएशन में हेल्प करता है। अब स्पर्मिएशन क्या है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि स्पर्म के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। स्पर्मिएशन कौन सा प्रोसेस है वो हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस में देखेंगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट काम, ये टेस्टोस्टेरोन को ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट करने में भी हेल्प करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एरोमेटेज एंजाइम, ठीक है, ये भी एक फंक्शन है। क्यों ये ईस्ट्रोजन, हम देखिए आप तो जानते हो कि ईस्ट्रोजन जो है एक फीमेल हार्मोन है, तो ये आप बोलोगे कि मेल में क्या जरूरत है, मेल में है ना। तो देखिए, होता ये है कि ईस्ट्रोजन एक फीमेल और हार्मोन जरूर है, लेकिन ईस्ट्रोजन जो होता है ये स्पर्म के कंसंट्रेशन में हेल्प करता है, यानी कि ऑल द फ्लूइड पार्ट इज एब्जॉर्ब इन द रेडी टेस्टिस विद द हेल्प ऑफ ईस्ट्रोजन, यानी कि ईस्ट्रोजन हेल्प्स इन द कंसंट्रेशन ऑफ स्पर्म्स एज ऑल द फ्लूइड पार्ट इज एब्जॉर्ब इन द रेडी टेस्टिस, यानी कि एक तरह से कंसंट्रेशन ऑफ स्पर्म में हेल्प करता है। आपको बस इतना ध्यान रखना है, वैसे अगर आप वो नहीं भी ध्यान रखोगे तो चल जाएगा, आपको बस ये याद रखना है कि टेस्टोस्टेरोन गेट्स कन्वर्टेड इनटू ईस्ट्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ एरोमेटेज एंजाइम एंड विद द हेल्प ऑफ, मतलब कहाँ पे, द सर्टोली सेल्स की मदद से, ठीक है। तो ये कुछ जैसे, और एक और फंक्शन है कि इट डज द फैगोसाइटोसिस ऑफ डेड एंड एबनॉर्मल स्पर्म्स, तो डेड एंड एबनॉर्मल स्पर्म्स का भी ये फैगोसाइटोसिस कर देगा, तो ये चीज है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ब्लड टेस्टिस बैरियर का फॉर्मेशन करता है। ब्लड टेस्टिस बैरियर के बारे में हम अभी आपको बताएंगे कि ब्लड टेस्टिस बैरियर होता क्या है। देखिए, इट इज अ टाइप ऑफ टाइट जंक्शन जो कि सर्टोली सेल्स के एडजेसेंट सेल्स के बीच में बनता है, ठीक है। ब्लड टेस्टिस बैरियर क्या करता है, इट प्रिवेंट्स द डेवलपमेंट ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट स्पर्मेटोजोआ।
तो स्पर्मेटोजोआ के अगेंस्ट अगर एंटीबॉडीज नहीं बनेगा तो यानी कि स्पर्मेटोजोआ जिंदा रहेगा, है ना, उसे अपने ही सेल्स डाइजेस्ट नहीं कर लेंगे। अगर ब्लड टेस्टिस बैरियर नहीं होगा तो स्पर्मेटोजोआ फैगोसाइटाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज किसके मदद से हुआ? सर्टोली सेल्स की मदद से। क्योंकि देखिए बच्चे, एंटीबॉडीज कहाँ प्रेजेंट होते हैं आपको पता होना चाहिए कि ये ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, ब्लड के प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसीलिए ब्लड टेस्टिस बैरियर हेल्प्स यानी प्रिवेंट्स द डेवलपमेंट ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। तो ये हो गया। एक और काम क्या करता है, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का मतलब, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंसेंट्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन इन द ल्यूमेन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। हमने ल्यूमेन देखा था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, है ना, ये ऐसा कुछ था जहां पे ये स्पर्मेटोगोनिया थे, ये सारे सेल्स, और ये बीच में ल्यूमेन पार्ट था, है ना, ये ल्यूमेन था। तो ल्यूमेन में एबीपी का क्या काम है, यानी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स का काम है कि ये टेस्टोस्टेरॉन को कंसेंट्रेट कर देता है इन द ल्यूमेन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इसके अलावा एबीपी सिंथेसिस एंड सेक्रीशन जो है ये किससे स्टिम्युलेट होता है, तो इट इज स्टिम्युलेटेड बाय FSH। FSH यानी कि फॉलिकुलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। तो अब चलते हैं, अब जो एक चीज बच गया था वो था स्पर्मिएशन का डेफिनेशन आपको बताना। तो स्पर्मिएशन मतलब क्या है, देखिए बच्चे, स्पर्मिएशन क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ मैच्योर स्पर्म्स, ठीक है। तो इट इज अ प्रोसेस बाय विच द मैच्योर स्पर्म्स इज रिलीज फ्रॉम द सर्टोली सेल्स इज नोन एज स्पर्मिएशन। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर्टोली सेल्स के क्या क्या फंक्शन है। सबसे पहला, मुलेरियन डक्ट को इनहिबिट करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ना स्पर्म्स को, स्पर्मिएशन में हेल्प करता है, टेस्टोस्टेरॉन का ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, ब्लड टेस्टिस बैरियर प्रोवाइड करता है, और एबीपी के सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो ये कुछ फंक्शंस हो गए, ठीक है। तो ये वीडियो मेरे को छोटा ही सा रखना था बस फंक्शंस ऑफ सर्टोली सेल्स को समझाने के लिए। जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो कम्प्लीटली बेस्ड होगा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के ऊपर, उसके ग्लैंड्स कौन कौन से हैं, सेक्रीशंस और उसके फंक्शंस के ऊपर बेस्ड होगा, और डिजीजेस रिलेटेड टू स्पर्म्स। एक्चुअली हम एक काम करते हैं कि डिजीजेस रिलेटेड टू स्पर्म्स जो है इसी टॉपिक में कंप्लीट कर देते हैं, ना। तो डिजीजेस रिलेटेड टू स्पर्म्स बस चार ही तरीके के हैं, इसीलिए इसी में कंप्लीट हो जाएगा। इसका अल्फाबेट्स आप याद रखिए, AOTA, ठीक है, AOTA, ठीक है। सबसे पहला है ए ज़ूस्पर्मिया, ठीक है, दूसरा है ओलिगोस्पर्मिया, थर्ड है टिराटोस्पर्मिया, और फोर्थ है एस्थिनोस्पर्मिया। तो एजोस्पर्मिया हमने बताया था कि जब वैसेक्टोमी हो जाता है तो आफ्टर कुछ दिन के बाद हमें दिखता है कि सेमेन में जो है उसमें स्पर्म्स का प्रेजेंस नहीं रहता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एजोस्पर्मिया, ठीक है। अब देखिए ओलिगोस्पर्मिया क्या होता है कि फॉल इन स्पर्म काउंट, ऐसा हम बोल सकते हैं कि बिलो 20 मिलियन पर ml, ठीक है, बिलो 20 मिलियन पर ml अगर हो गया तो हम उसको क्या बोलेंगे, ओलिगोस्पर्मिया। टेराटोस्पर्मिया होता है मॉर्फोलॉजिकली एबनॉर्मल स्पर्म, इसमें क्या होता है ठीक है। और एस्थिनोस्पर्मिया होता है कि स्पर्म काउंट तो ठीक रहेगा, ओलिगोस्पर्मिया की तरह नहीं रहेगा, लेकिन क्या होगा कि स्पीड ऑफ स्पर्म जो होगा वो कम हो जाएगा। स्पीड कितना हो जाएगा, लेस देन 1 to 4 mm पर मिनट, ठीक है, 1 to 4 mm पर मिनट से भी उसका जो स्पीड होगा स्लो हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एस्थिनोस्पर्मिया, ठीक है। तो ये होता है चार तरीके के डिजीजेस रिलेटेड टू स्पर्म, ठीक है। तो देखिए, द
तो हम अगले टॉपिक में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं वो आप एनसीईआरटी से पहले से देख लीजिएगा। एनसीईआरटी ने बहुत प्रिसाइसली मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन खत्म कर दिया है, लेकिन उतना प्रिसाइज अपने को नहीं होना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानना है। इसीलिए इस आप देख लीजिएगा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, उसके ग्लैंड्स, उसके सेक्रेशंस और उनके फंक्शंस, और क्रॉस सेक्शन ऑफ पेनिस। तो ये दो टॉपिक है जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और तब जाके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरी तरह से कंप्लीट होगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी जरूर पढ़े, है ना? ओके देन स्टूडेंट्स, थैंक यू।